नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते खबरों की शुरुआत। हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जनता के सामने सरकार के 7 साल के कामकाज का ब्यौरा रखा है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। साथ ही कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा से फसल खरीद की तमाम समस्याएं दूर होंगी। प्रदेश में धान और बाजरे की सुचारू रूप से चल रही है। कृषि में भी हमने अभूतपूर्व काम किए हैं। अब ये अलग बात है कि किसी विषय को लेकर के आज के कुछ नेता एक आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, जिसका हरियाणा के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। वो केंद्र सरकार के विषय हैं, लेकिन विषय ठीक है। केंद्र सरकार ने जो लागू किए हैं उसमें हमारी सहमति है कि तीनों कानून की किसान के हित में है, कृषि के बढ़ोतरी के लिए है। तो भी हमने यहाँ जो किया है, एक नया प्रयोग किया कि हर एक खेत की रजिस्ट्रेशन हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से, ताकि किसानों को कोई कठिनाई ना हो, ना प्रोक्योरमेंट में हो और न ही उनको जो कल को खराबा होता है कंपनसेशन मिलता है उसके अंदर कोई झगड़ा पड़े, ना बैंक के साथ हो ना कंपनी के साथ हो। एक सुविधाजनक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा वो कुछ नहीं है, और इसका बहुत बड़ा लाभ होता भी है। पिछले लगातार 3-4 वर्षों से जब से हमने चलाया है, तब से किसानों को बहुत लाभ हुआ है और बड़ी स्मूथनेस आई है। इस बार हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट में इतनी स्मूथनेस है कि पहले के वर्षों में कभी देखी नहीं गई। जो पहले के अनुभव आए थे, कुछ कठिनाइयां आई थी, उनको सबको उन्होंने सॉल्व किया है, रास्ते निकाले और बहुत स्मूथ इस बार हमारी प्रोक्योरमेंट धान की जो है चल रही है। और जहां तक बाजरे का विषय है, बाजरे के विषय में इस बार चूंकि बरसात के कारण से खराब बड़ी मात्रा में बाजरा हुआ है, तो जो ऐसे किसान थे जिनके बाजरे की खराबी बहुत हो गई थी, उनको लगता था कि भाई हमारा नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि सरकार खरीदेगी नहीं। पैरामीटर स्पेसिफिकेशन होते हैं, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोक्योरमेंट की जाती है। वो बाजरा स्पेसिफिकेशन पर खरा नहीं उतर रहा था। हम अगर खरीदते तो जो ठीक बाजरा था, जो आज 1600-1650 में बिक रहा है, हम तो 2250 रुपए वही लेने वाले थे। बाकी तो कठिनाई थी हमारे लिए भी। उनका तो जो हमने 600 रुपया भावांतर भरपाई योजना लागू की है, तो 1600-1650 को तो 2250 मिल गए, लेकिन जिनका खराब था उनको वही 1200 मिलते, 1300 मिलते, 1100 मिलते, इससे आगे कुछ मिलने वाला नहीं था। हमने उनको भी 600 रुपया दिया है, तो उनको भी लगता है कि एक बहुत बड़ा लाभ उनको हो गया है कि हमारा बाजरा भी जाए खराब हुआ तो भी उनको 1800-1900 रुपया उसका मिल गया खराब बाजरे का भी। तो इस प्रकार से बहुत संतोष बाजरे के जो ग्रोवर्स हैं उनके अंदर है। मैंने पानी का प्रबंधन, इस पर भी बहुत चिंता की 7 वर्षों में लगातार। पहला तो SYL, इसको सुप्रीम कोर्ट में निर्णय करवाना, बहुत इस पर हमने हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रयत्न किया। हमने भी जो जो विषय निकाले जा सकते थे उनको सुझाए जा सकते थे, हमारे डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सब सुझाए। आखिर कोर्ट ने माना कि पानी पर हरियाणा का अधिकार है, ये पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए, वरना 12 साल से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से ये एक ठंडे बस्ते में ये विषय पड़ा हुआ था। आज केवल SYL को बनने के लिए एक अवार्ड सुनाना है सुप्रीम कोर्ट ने, कभी भी वो सुना सकते हैं। तो ये अवार्ड सुनाए जाने के बाद तुरंत SYL का पानी हमको मिलेगा। लेकिन चूंकि ये विषय लिटिगेशन कोर्ट में सबजुडिस केस है, तो सबजुडिस केस के कारण से मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाए कोई भी, ना कोई हरियाणा में बनाए ना कोई पंजाब में बनाए। अगर अधिकार हमारा है तो नहर बननी है, कौन एजेंसी बनाएगी, इतना मात्र काम है। और सुप्रीम कोर्ट पर हमारा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट उसको निश्चित रूप से उसको करेगा।